अगर आप देखें उसी द 1950 का जो दशक है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात, जो थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी चर्चा बड़ी होती रही। और क्योंकि इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स विभिन्न स्तरों से प्रक्रिया गुजरती है और यह मॉडल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का वह विशेष रूप से आर्थिक है और आर्थिक दृष्टिकोण से ही विकास को देखने का प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार आप देखें विकासशील देशों में विकास, बचत, डेवलपमेंट एंड सरप्लस, निवेश एवं विदेशी सहायता में वृद्धि, ये सारी चीजें उभर के आती हैं। 1960 के बाद विकास का विश्लेषण एक नया उपागम प्रस्तावित हुआ 1960 के बाद, वह था स्ट्रक्चरल संरचनात्मक उपागम। यह मॉडल अल्प विकास को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों के दृष्टिकोण से देखता है। यह दिखाने का प्रयास करता है कि किस तरह से विकास की जो वर्तमान प्रकृति विभिन्न देशों के बीच प्रभुता व अधीनता डोमिनेशन के संबंधों का विकास करती है। आपने देखा होगा कि जमाना था जब शीत युद्ध की बात की जाती थी तो एक एंग्लो यूरोप और अमेरिकन देशों का एक ग्रुप था, एक रशियन रशिया था, लेकिन बाद में रशिया भी कमजोर हो गया और इन्हीं देशों के इर्द गिर्द पूरी सिस्टम, चाहे वह इकोनॉमी हो चाहे वह पावर हो, ये सारी चीजें उसी के आसपास घूमती थी। क्योंकि प्रभुता और अधीनता में के आधार पर संबंधों का विकास होता है। यह उपागम क्या है, लोक उन्मुख होगा, पीपुल ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें क्या है कि विकास के रास्ते में जो संरचनात्मक और संस्थात्मक बाधाएं हैं, हिंड्रेंस हैं, इसे बहुत सारे लोग कहते हैं अभी वर्तमान परिवेश में कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं, इतना हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं। यू सी द स्टार्टिंग फेज ऑफ लास्ट फेज ऑफ सेंचुरी, लास्ट दशक जो 20वीं शताब्दी का था, 1990 की कहानी है। 91 में 1990 में बीपी सिंह, 1989 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बाद चंद्रशेखर जी बीच में बात आई होगी, अगर आपने देखा होगा सुना होगा कि सुना गिरवी रखना पड़ा था इंग्लैंड को, क्योंकि हमें उस समय हमें डेफिसिट में चल रहे थे, हमारे जो संसाधन थे जो विदेशी मुद्रा का भंडार था और न्यूनतम स्तर पर था। तो 91 में कॉन्सेप्ट मनमोहन दैट टाइम नरसिंह नरसिंहा वाज प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे और एलपीजी का नाम आप जानते होंगे, क्योंकि व्यवस्था संसाधनों से चलती है, संरचना संसाधनों से बनती है, संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक संसाधनों के माध्यम से होगा,
केवल बात करने से नहीं कि आपने कहा कि जो VHL जो HL जो बहुत सारी कंपनियां हैं हमारी, जैसे इंडियन एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ था, टाटा के पास थी, जो हम खर्च कर रहे हैं, जो हमारी आय है उस व्यवस्था को चलने के बाद, उस संस्था को चलने के बाद, और जो व्यय दोनों में एक बड़ा अंतर था, उसका परिणाम था कि हमारे जो भी हम सब टैक्स भरते हैं किसी रूप में, उस टैक्स का लंबा पैसा जाता था। आप खुद देखो कि आप कोई भी व्यवसाय करते हो, कोई भी कार्य करते हो, जब घाटा होता है सीमा के बाद उस व्यवसाय को आप बंद कर देते हो और उसे मुक्ति लेते हो। सरकार केवल निर्णय करती है, पैसा आम जन का है, आम लोग टैक्स देते हैं, वो सड़क एक दिन में खराब हो या 10 दिन में खराब हो, ऐसा सरकारों का नहीं होता। सरकारें माध्यम होती हैं विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्रोतों से आय को करने की, आय अधिक करने का और व्यय, तो आय और व्यय में बीच मैनेजमेंट एक लंबी प्रक्रिया है। कब तक चलेगा, किस तरह चलेगा, एक संकट का उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि ये चीज 1991 में जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे और मंटो अहलूवालिया अहलूवालिया इस बैंक में थे, उनके मित्र थे मंटो सिंह अहलूवालिया, और उसी समय यह सारी चीजें, जैसे आप देखो वर्तमान में पुरानी पेंशन खत्म हो गई, वहां उस दिन साइन हो गई थी बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब विकास तभी संभव है जब संसाधन होंगे हमारे, हम केवल कहीं से कर्ज लेके लोगों की सैलरी दे दें, एक एक विश्व बैंक की सहायता से कोई चीज खोल दें, डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम है, संरचनाओं में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें आपको करनी पड़ेगी, वो नहीं होगा। डिबेट बहुत हुई, चर्चाएं बहुत हुई, तो वहीं से शुरू होता है। आज तमाम चीजें आप देख रहे होंगे, बहुत सारे ट्रेन भी प्राइवेट चल रही है, लोग कहते हैं प्राइवेट हो जा रहा है, इससे बड़ा प्राइवेट में मुनाफा दिखता है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट अलग था, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करने के माध्यम से व्यवस्था पे, उनकी जो मंशा थी व्यापार नहीं था, व्यवस्था पे एक कब्जा करना था। यहाँ पे लोग विभिन्न समूह में लोग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने हितों के लिए कार्य कर रहे थे, समग्र एक दृष्टिकोण नहीं था, उसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति आई कि आपको उन्होंने व्यापार किया, व्यापार के दौरान आना जाना हुआ, यहाँ की मानसिक स्थितियों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ, उस अवसर के परिणाम स्वरूप उन्होंने सोचा शासन भी नहीं किया जा सकता आसानी से, क्योंकि अलग अलग हितों के लिए लोग अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए एक समग्र उपागम के दृष्टिकोण को अपनाते न हुए व्यक्तिगत हितों के लिए लोग अपने अपने लड़ते थे, अपने अपने कार्य को करते थे, और फिर जब समग्र दृष्टिकोण अपनाया, सामूहिक रूप से लोग खड़े हुए, तो निश्चित तौर पर 1947 में आपने देखा होगा जब जनवरी 2022 है, 22 में चोरी चोरा कांड हुआ, आप इतिहास के बहुत सारे लोग जानते होंगे, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कोई गांधी
9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लेते हैं और नारा करवाते हैं डू एंड डाई, करो एंड मरो, करो एंड मरो। मूवमेंट तो 1857 से चलता है। जो विद्रोह होता है आपके मेरठ से मंगल पांडे, तो कहने का तात्पर्य है मैं विकास के संदर्भ में सारी चीजें कर रहा हूं। अब खुद एक परिवार का, एक समाज का विकास व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के दोहन से होता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करने से होता है, या समग्र दृष्टिकोण के अनुसार काम करता है तब अपना भला चाहते हैं। इन सब मिलके अगर सबका भला चाहेंगे, संपूर्ण मानवता का भला चाहेंगे, तो एक अलग कोष बनती है। तो जो लोक उन्मुखी आगम है, विकास में आने वाली संरचनात्मक एवं रचनात्मक बाधाओं को, संस्थात्मक बाधाओं को चिन्हित कर अधिक जो चिन्हित करने पर प्रॉब्लम कहता हूं कि आप समस्याओं को चिन्हित करके आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। यह प्रदेश क्या था? गर्मी, गरीबी उन्मूलन सुना करता था। मुझे याद है कि 1980 में जो 1970 में 20 पॉइंट प्रोग्राम था इनका, आपने इनका सुना होगा संजय गांधी का 5 सूत्री कार्यक्रम, गर्मी गरीबी उन्मूलन के इस देश में मैं बिगनी से देख रहा हूँ। बहुत सारी हमारी फाइल में प्रॉ है, इस पे गरीबी उन्मूलन पे फोकस था। सवाल, क्या गरीबी 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 का उन्मूलन हुआ? क्या गरीबों का भला हुआ? क्या गरीब नहीं बढ़े? इन सब आयामों को लेकर, क्योंकि गरीबी उन्मूलन के उपाय लोग उन्मुख उपागम जो पब्लिक ओरिएंटेड अप्रोच है उसमें क्या था कि गरीबी का उन्मूलन, लोगों के लिए रोजगार की गारंटी, आर्थिक क्रियाओं की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, सामाजिक आर्थिक असमानता, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि इकोनॉमिक इक्वालिटी से सोशल इक्वालिटी भी पड़ती है। ऐसा नहीं है जैसे अनप्रेसिबिलिटी है, ये आर्थिक नहीं है, इट इज नॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये गरीब अछूत एक धनाढ्य है, अछूत अछूत जाति का व्यक्ति, एक गरीब अच्छी उच्च जाति का व्यक्ति, इसी चीजों में अंतर है। अगर उस आधार पर देखें अनटचेबिलिटी के, तो इस तरह की जो असमानताएं हैं विकास को परिभाषित करता था। ये सारी चीजें अगर देखेंगे तभी विकास होगा, ये बात उभर के आई। पुराना उपागम क्या था? अर्थव्यवस्था के उत्पादन के पक्ष पर केंद्रित था, लेकिन जो लोक उन्मुख उपागम आया वह इन सारी चीजों को कि रोजगार के अवसर बढ़े, गरीबी का उन्मूलन हो, आर्थिक क्रियाओं में डाइवर्सिटी आए, सामाजिक आर्थिक असमानता में कमी की जाए। क्योंकि मैं एक बार आंध्र व्यक्ति का लेक्चर सुन रहा था 2001 में, उन्होंने कहा कि उन्होंने किताब में इनइक्वालिटी लिखी है, हमने पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी नेचुरल स्पीक इन स्वतंत्रता भवन बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी 2001 में कार्यक्रम में उस वाइसिस से मागरी बात के बाद वाइस चांसलर ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी वो भी सोशियोलॉजी के थे, तो उनको मौका मिला और स्वतंत्रता भवन में वो लेक्चर हुआ, व्याख्यान हुआ। उन्होंने कहा असमानता प्राकृतिक है,
असमानता परिहार्य है। उनकी किताब आप देखेंगे इनइक्वालिटी पे है। अगर आप पढ़ेंगे या पढ़े नहीं पढ़े तो कोई देखा कोई नहीं देखा इंसान कैसे बनता है जब आप पढ़ते गलत या सही कुछ नहीं देखा कोई किताब आप पढ़ते आपका थाट कैसे बदलता है। जैसे द्विवेदी जी डीडीयू से पढ़े वहां भी अच्छे प्रोफेसर थे जेएनयू के ही बारे में किताब उनकी डेथ हो गई संगीता पांडे हमने दीपेंद्र मोहन और कौन कौन नए लड़के आए हैं एक वो भी थे राम प्रकाश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में थे पहले बाद में वहां प्रोफेसर हो गए एक बीके श्रीवास्तव थे पढ़े होंगे उनसे भी पढ़ने का मौका अगर मिला होगा और जेएनयू में पढ़े जाके विवेक कुमार को दूसरे के थाट और प्रोसेस में अंतर है। आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हो आप कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हो और यू स्टडी फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो आप जान बूझ के या न चाह के भी आप अच्छी चीजों को देखने के लिए बात करते हो और थोड़ा पहले का जो लेवल आपका अच्छा हो जाता है खानदान बड़ी है तो उस खानदान का नाम लेता है यार बिलोंग टू मेरी वर गुड रिसर्च अब बेवकूफ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम मान के चलते हैं एक पद बढ़ता है उसका फायदा मिलता है भाई आपके मन में एक इमेज बनी कि द्विवेदी और बिलोंग टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की इमेज आपके मन में बहुत अच्छी है आप पहले बार ही कि उस इमेज में इस इमेज को देखने का प्रयास करते हैं और उसका उस चलते साथ मनोवैज्ञानिक रूप से आप मजबूत दिखते हैं आपको लगता है नो डाउट इज जो बोल रहा है करेक्ट बोल रहा है और गलत ही बोल रहा है अंदर में नहीं से अबाउट इनइक्वालिटी मस्ट इक्वालिटी इज नेचुरल इनइक्वालिटी इज नेचुरल अब तो मैं अंदर में नहीं बोल रहा तो सही बोल रहा हूं। मुझे याद है मैं पेपर प्रेजेंट कर रहा था आईआईटी कानपुर की कॉन्फ्रेंस की 2002 में तो रिलीजियस कन्वर्जन इन दलित पे मेरा पेपर था पहला पेपर था मेरे जीवन का इसके पहले मैंने उसमें डिस्क्रिप्टिव हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन बीएचयू में विद्यार्थी के रूप में प्रेजेंट किया था तो मैंने बाद में इशू पेपर भी लिखा हूँ मेरा पब्लिश भी हुआ है कि भाई मैंने देखा था डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन और लड़कियों में लड़का है लड़की है तो मान लीजिए आज आप बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हम तो अपनी लड़की को ज्यादा खिलाते हैं लड़के से वो तो योर क्राइसिस आपके पास अभाव है उस परिस्थिति में आपका बेटा और बेटी क्या करते हो कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे परिवारों की बात कर रहा इस वास्तविकता को नकार नहीं सकते आप माँ ही कहती है कि बिटिया बाबू तो थोड़ा सा खा लेने तो दूध अगर गिलास है पी लेने तो तुम बाद में पीलेगा तो हेल्थ के दिशा में डिस्क्रिमिनेशन देख रहा था आज ही होता है दवा करनी है क्योंकि बेटों को पहले बताओ चला जाएगा तो गया तिराग ही खत्म हो जाएगा आप देखो घरों में क्या होता है क्या किचन में जाने देते हो जब आपको सफाई वफाई करने वाली आती है बेहतर टाइप में कोई सामान वगैरह की कोई महिला लोग अगर दलित अगर कह दे कि पर हम दलित हैं हम हरिजन हैं हम जाटों हैं तो उसको नाम बदलना बहुत बता कि ठाकुर है ब्राह्मण है अब तब काम मिलता है आज के शहरों की बात में कर रहा आप खुद देखो आप बैठे हो अपने घरों में आप अपने घरों की बात देखो आप अपनी मानसिकता की बात देखो
तो मैंने रिलीजियस गवर्नर पे जब मोहन वर्मा थे उस समय प्रोफेसर बी के पटनायक ने कॉन्फ्रेंस कराई थी जनाब गले साहब प्रोफेसर सुवाई सिंह का एक व्याख्यान था बड़ा अच्छा तो एक अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से योगेंद्र सिंह बताते थे बड़े सरलता से योगेंद्र सिंह बड़े सामान्य परिवार के गरीब बस्ती के थे लेकिन वो बात अपनी अपनी सही ढंग से समझा लेते थे। बहुत सारे लोग बड़े अच्छे राइटर हैं टीके वुमेन ही रोड नंबर बुक्स पर बहुत अच्छे वक्ता के रूप में मुझसे इंटरेक्शन उनका हुआ। अभी 2019 में जब मैं फ्लाइट से केरला की कॉन्फ्रेंस से आ रहा था तो लकली फ्लाइट बहुत देर हो गई तो हम लोग मैसूर नहीं तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम में हवाई अड्डे पे आर इंद्रा प्रोफेसर टी के वुमेन ये सारे लोग काफी समय हम लोगों को एक साथ और चूंकि टी के वुमेन उनको तो केवल फ्लाइट से आर इंद्रा को वहां से जाना था त्रिवेंद्रम से बंगलौर मैसूर में वो थी मैसूर की जाने वाली थी मैसूर जाना था हम लोगों को तो दिल्ली जाने थी हमारे साथ थी कि वो मेरे साथ भी साथ आए काफी बात तो मैं देखा कि वो इक्विपमेंट सोशल तो जो मोमेंट पे पीएन मोमेंट पे काफी काम किया है इन्होंने लेकिन चल क्या है बट ही बिलोंग टू दी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बट ही इज नॉट गुड स्पीकर विवेक कुमार को तो कई बार टीवी व्याख्यान में भी सुनने का मौका मिलता है नेहरू में जाने का मौका मिला आनंद जी हमारे गुरु थे और आनंद जी बड़े अच्छे स्पीकर हैं अभी मैं पिछली बार 4, 5 और 6 जुलाई के कॉन्फ्रेंस कराया था इंटरनेशनल ऑनलाइन उसमें पूरे विश्व के 30 से अधिक बड़े विद्वान साथी सम्मिलित हुए थे तो आनंद जी जब बोल रहे थे तो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि कोई लड़का एक टीचर्स था यहाँ का वो बोला कि भाई वो कहीं किसी कार्यक्रम में था तो उसे देखना था कॉन्फ्रेंस को तो उसमें जब जितने लोग आप भी सारे लोग बंद करे कि आनंद जी बोल रहे हैं कि वेरी गुड स्पीकर अपनी बात कहने का अपने ढंग से बात करने का तो सब चीजें मिलती हैं। हम जब आपसे बात करते हैं कि अपने चिंतन कैसे बेहतर अच्छी किताबें पढ़ोगे अच्छे लेक्चर सुनोगे अच्छे लोगों से बात करोगे अच्छी चीजों को करोगे जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात आप जानते होंगे जो केवल इकोनॉमिक्स होती है डब्ल्यू लेविस का नाम आपने सुना होगा क्लासिकल जो वो कहते थे पर कैपिटा इनकम पर प्रति व्यक्ति आय आय बढ़े उन्होंने विकास का एक सिम्टम्स माना था एक लक्षण माना सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू लेविस की प्रति व्यक्ति उत्पादन में अगर वृद्धि होती थी ये सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंट केन्स ने विकास का एक केन्स केन्स का रोजगार सिद्धांत आप जानते होंगे तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं वो क्या है उत्पादन वृद्धि में उन्होंने ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया उत्पादन वृद्धि में वृद्धि महत्वपूर्ण है उत्पादन के स्तर में वृद्धि महत्वपूर्ण है इसे मार्ग बजट और निवेश भी पढ़ाकर वो कहते थे बजट और निवेश दोनों अगर पढ़ेगा तब ये संभव हो सकता है। जो इसके बाद हेराल्ड डोवर थे तो इन्होंने केन्स के इस मॉडल को प्रयुक्त किया अपने अध्ययन में। फिर आते हैं रोस्टो द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो शब्द की अवधारणा को उन्होंने बात की। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रोस्टो की आपने सुना होगा अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो वो क्या कहते थे कि रोस्टो की धारणा थी कि अर्थव्यवस्था परमाणु अवस्था से लेकर अति विकसित जन उपयोग की अवस्था तक एक ऐतिहासिक
उद्विकासीय क्रम से होकर गुजरती है। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात की उसमें पांच अवस्थाओं की बात की। पहला क्या था? परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरा था आरंभ की पूर्वस्थी अवस्था। तीसरा था आत्मसंग्रहित संग्रहित वृद्धि की अवस्था। चौथा था परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था। और पांचवा था उच्च जन भोग की अवस्था। इस बात इस समृद्ध मॉडल पर इस ग्रोथ मॉडल पे इन्होंने विकसित समाजों के अनुभव किए गए विकास क्रम को प्रदर्शित करता है। कम विकसित देशों में आर्थिक विकास की आत्मसंतुष्टि अवस्था में पहुंचने के लिए निश्चित तौर पर जहां से उन्नत देश पहले गुजर चुके हैं उस आवश्यक पूर्ववर्ती दशाओं को निर्मित करना होगा। हम अमेरिका के मॉडल को लेकर चलेंगे नहीं, अमेरिका का बिगिनिंग जो मॉडल स्टार्टिंग की शुरुआती दौर था उसको लेंगे तब विकास होगा। तो विकास के लिए पूर्ववर्ती आवश्यकताएं क्या है? एक प्रश्न आकार में क्या है बताओगे आप? आप भी सोचो यार, तुम आप लोग का दिमाग है, जरूर है, समस्याएं हैं, तनाव है, परिस्थितियां हैं। आप वैसे ही बात जैसे द्विवेदी जी तो अच्छे इन्वायरमेंट से आए हैं, मौका मिला है, कांच पे आकर फंस गए हैं। बहुत बात है मुख्य बात तो कही एक्चुअली उत्पादन करने तथा बचत को प्रोत्साहित करने की समाज की बढ़ती क्षमता। उत्पादन करने और बचत, आप जानते हो आपका देश आपसे अंदर ही हम लोग क्या प्रगति है हमारे यहाँ आई सी अवर सोसाइटी कि हमारे यहाँ 10 रुपया है तो हमारे कितने 5 रुपये है। यहाँ पे जनरली प्रवृत्ति है और नए जो त्रिवेदी जी हैं आप लोग हो नए यूथ हैं वो तो तनखा जो सैलरी नौकरी पाते हैं फट से करते हैं, बड़ी कार खरीद दो, बड़ा मकान खरीद दो, लोन ले लेते हैं। इन मेजॉरिटी में अभी आज के समाज में लोग कहते हैं बेटा बच्चा आपका 10 रुपया हो ना तुम आप भूल जाओ कहो 5 रुपया है, इस तरह से प्लान करते हो। इससे क्या होता है, इस प्रवृत्ति से यानी हमारे पास हम खर्च करें। आज के यूथ में नई एक प्रवृत्ति आ रही है, आप खुद देख रहे होंगे 10 से 15 खर्च आप लोग है ना, क्यों क्रेडिट कार्ड जो मेंटेलिटी हो गई है कि हर चीज नहीं। क्रेडिट कार्ड मेंटेलिटी क्या है? क्रेडिट फ्री अब तो आपको क्रेडिट कार्ड लोग कौन बुलाता है? हम पहले सवाल ये सर आजकल दिखावे की प्रवृत्ति ज्यादा है तो हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं है इस देखिए आप उधार में नहीं रहे हो सपोज अगर आपके पास पैसा नहीं करोना हुआ ये हुआ तो आप लोग डेट हो गई। मंदी आई थी तो उन लोगों के पास घर उनका चला गया था बट उनके पास कार थी, तो ये इंडिया में सिचुएशन नहीं आती है। कम से कम आपके पास एक रूम रहने को होगा भले कार हो या ना हो। यहाँ पे लोग इसी अब नए नए में आए हैं परिवर्तन है, खतरा है, रिस्क लेने की आपको, आप अकेली आप अगर अभी नौकरी पा जाओ बट फिर आप बढ़िया तो आप ले लो चलो 10 लाख। तो सर पुराने लोग है ना तो इस वजह से थोड़ी अर्थव्यवस्था बची हुई है बस। नहीं यहाँ की जो प्रवृत्ति थी बचत ज्यादा करो बचत पहले हाँ उसका था बचत पहले क्या करो पहले खर्चा यहाँ आप क्या करते हो पहले खर्चा तय करते हो फिर कैसे जुगाड़ होगा उसको देखते हो करते हो दिले दिली जनरल प्रवृत्ति एक्सचेंज जा रहा है ठीक है वक्त चेंज जा रहा है। आप पहले कहो मुझे ये सामान चाहिए फिर कहो को पैसा कैसे तय किया जाए जैसे आपको मोबाइल चाहिए कि क्या मोबाइल लेना है किससे मिला जाए या पॉकेट मनी दी जाए या क्या जुगाड़ किया जाए अब नहीं करते हो ना। पहले तक करते हो मुझे ये वाला मोबाइल आई प्लस चाहिए अब आई प्लस कितने की मिलेगा इतने का हाउ कैन मैनेज अब तय करते हो पहले आप खर्चा तय करते हो। एक परिवर्तन आया हम लोगों में परिवर्तन नहीं है क्योंकि हम लोग तो जब मुझे याद है जब बीएचयू में था तो मैं 20 रुपया पोस्ट ऑफिस से निकालता था और उसमें काम करना था पैसे आए 300 रुपए या 400 रुपए जब इसका रसीद वृद्धि थी तो पैसे खूब हो जाते थे तब भी
कि 300 रुपए आया घर से तो 20 रुपए मुझे याद में आज देखता हूँ पासबुक ऑफ पोस्ट ऑफिस मैं अंग्रेजी छात्रावास का हूँ अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस भी थी उसी पोस्ट ऑफिस से 20 रुपए निकालते 20 रुपए आपको थोड़ा 20 रुपए और उसमें लगता 10 रुपए बड़े इम्पोर्टेंट 10 रुपए अगर मेला में भी आता था जब हम लोग गाँव का मेला करने जाते थे इसको 10 मिलता था ना एक बार हम झंडा लेके आए थे जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा लेके आते थे गाँव में वो दरवाजे घूमते थे कोई 1 रुपया देता था कोई 50 रुपया देता था किसी ने 10 रुपया दे दिया तो एकदम पूरा हेडमास्टर डर गए थे और सब पैसे कलेक्ट करते थे कि बताशा वगैरह खरीदा जाता सबको बांटा जाता था तो हम बात ही नहीं करते हम इसलिए उस धर्म इसलिए सुना रहे हैं कि हमें ये भूल चुके जीवन में कभी भी आप क्योंकि आपके पास भी सैकड़ी हो सकती है आपका एक्सीडेंट हो सकता है आप कोरोना में जा सकते हो लेकिन आप छोड़ोगे क्या क्या छोड़ोगे कर्जा आप जिस बच्चे को प्यार करते हो जिस हस्बैंड को बहुत प्यार करते हो उसके लिए क्या होगा एक लंबा चौड़ा कर्ज बैंक वाले आपको दौड़ेंगे आपकी संपत्तियों का मूल्यांकन करेंगे हम उस संदर्भ की बात करते हैं आप तो मान लीजिए थोड़ा बहुत बचे होंगे थोड़ा दिमाग में होगा कि चलो संघर्ष कर रहे हो तब भी अटैक करते हो कहते हो 18,000 20,000 मिला अरे उठाओ पहले क्या किया आपने 18,000 20,000 25,000 पाया खत्म कर डाला तय कर डाला खर्चा पहले तय करता खत्म कर डाला पैसे बचाओ ना मुझे याद है कि मैंने अपने छात्र जीवन में बहुत कम खर्चा करता था खाना अपने हाथ से बनाता था लेकिन मैं तमाम लोगों को फार्म भरने में मदद किया जो IAS बने घूम रहे हैं जो BDO बने घूम रहे हैं जो प्रोफेसर बने घूम रहे हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं उनको खिलाया तो गेहूं चावल फ्री में आता था मेहनत कर लेते थे दाल हमें याद है कि दाल और बनाया करते थे मैंदरी में हम लोग हीटर पर चलाते थे क्योंकि उस तरफ से हीटर चलाते थे पता चला कि जल गया होना क्योंकि उसमें वो नहीं था कुकर नहीं था कुकर तो हम लोग PHUD में आने के बाद PHUD में खरीदे हैं जब PHUD में थे उस वक्त पैसे स्कॉलरशिप मिलता था तो बड़ा अच्छा लगता था स्कॉलरशिप 800 रुपये स्कॉलरशिप बहुत मतलब अब तो जहाँ 800 रुपये में कितने ज्यादा बस लोगों को कपड़े खरीद लेते थे किसी को लोग बढ़िया स्वेटर में लोगों को पैसे बहुत थे किताबें खरीदते किताब खरीदने की आज भी हमारी आदत है तब भी आदत थी आज भी हम चाहते हैं कि 5,000 रुपये किताब अखबार खरीदें हम पटेखा घूमते हैं तो परेड पे हमें नहीं खरीदते परेड पे जो दुकानें हैं पुरानी बहुत शरीफ आप जैसे लोग हैं जो किताबें अच्छी थी अभी एक हॉटन एंड हंट की किताब बड़ी मोटी अच्छी किताब थी बेचे हुए तब कोई एक दुबे सटल किताब भी इसमें थी मैं जाकर खरीद लिया आधे दाम में दे दिया कम किया मिल गया मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट पोजर की थी वो 100 रुपये में दे दिया मुझे बेचा हुआ था एक रिज्जा की किताब थी सोशियोलॉजिकल थियरी की वो लाइब्रेरी से कोई चोरी किया था वहाँ के BSSC की बेचा था हमने कहा कि भाई ठीक है वहाँ काका जो मेरे एक है दादा वो किताब पुरानी किताबें रखा था मैंने कहा देखो मेरे काम करके आया हीरा क्या है इसमें पता किताब भी ले ली मैंने क्रिमिनोलॉजी की रामहुजा किताब थी 50 रुपये दे दिए और 4 रुपये 30 रुपये किताब तो अब पैंट शर्ट तो हम नहीं खरीदते हमारे बस की बात नहीं हो पाकर हम कहीं तिरुवनंतपुरम प्लेन से जाते हैं तब भी हम किताब 10-20 छोटे 25 किलो 15 किलो 10 किलो साथ ले सकते हैं 10 किलो किताब खरीद लेते हैं कॉन्फ्रेंस में अच्छा खासा कलेक्शन होता है होते ही देते हैं तो वो प्रवृत्ति जब जो कपड़ा अच्छा पहनोगे तो अच्छे लगोगे जरूर किताब हम लोग घर भर किताब है बुक्स है आज हम बात आपसे कर ले रहे हैं कोई मॉडल आपके डिस्कस करते हैं आगे कैसे करते हैं किताबें मेरे पास हैं लाइब्रेरी में नहीं लेते यार लाइब्रेरी किताब ही नहीं जाओ कसम लाइब्रेरी किताब नहीं है यहाँ के लिए कोशिश करता हूँ किताब आए विभाग में लेकिन आने काफी पैसे कम है
अपना व्यक्तिगत तो खरीदते हैं, व्यक्तिगत बाइक क्या 10 रखनी होगी यहाँ पे अपनी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम चर्चा करते हैं आप किसके लिए लड़ते हो, किताब के लिए, कोई लड़ता है इसलिए? जो बच्चे हैं, जो वाला शादी हो गई उनको बॉय गर्लफ्रेंड है, उनको घूमने के लिए अच्छी सेल्फी लेने के लिए मोबाइल के लिए, किताब के लिए कौन लड़ता है? पापा से पता है, पापा प्लीज क्या किस लिए लड़ते हो आप? मोबाइल अच्छा लेने के लिए, लैपटॉप अच्छा लेने के लिए, किताब के लिए हो गई बिल्कुल क्यों दे रही? तो सर ऑनलाइन मिल जाती है चीज़ें, मिल जाती है स्थापित कैसे हो पढ़ते हैं हम लोग गाइड एजुकेशन पे, जो मैं कि प्रैक्टिकल था, मैं सबका जब करता था कि यार ये क्या है, ग्रंथ हम घूम रहे हो, बहुत सारे ग्रंथ हम रखा मतलब जैसा खाओ वो वैसा ही ग्रंथ बनेगा ना। अरे सर यहाँ लाइब्रेरी में भी ग्रंथ हम रखा होते हैं, सही बात है यार, यार ये एग्री भाई हम भी वही सोच वाले हो तो क्या हो। आइए मैडम, आपके ज्ञान का हम लोग लाभ नहीं पा रहे हैं, सर और कभी कुछ नहीं करती। अब आता है एक वाही उत्पादन करने और बचत को प्रोत्साहित करने की समाज की बढ़ती हुई क्षमता, एक पूर्ववर्ती दशा है विकास की पूर्व की, अगर एक प्रवृत्तियां नहीं होंगी विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे आप। दूसरा है लोगों में उद्यमी एवं प्रगति कुशलता का विकास, उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट की बात, स्किल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्किल ऑफ मैनेजमेंट आर्थिक समृद्धि की चुनौतियों से तालमेल बैठाने के लिए संस्थात्मक एवं संरचनात्मक सुधार, आर्थिक समृद्धि की चुनौतियों से तालमेल बैठाने के लिए संस्थात्मक एवं आपको लगता है कि ये बड़ा खराब नहीं, उसकी बड़ी इम्पैक्ट पड़ेगी बहुत ही, क्योंकि अगर एयरपोर्ट बन रहा है कुशीनगर में, अगर एयरपोर्ट अयोध्या में बन रहा है तो मटेरियल विदेश के केवल, क्योंकि ग्लोबल अब इकोनॉमी की बात आ रही है, आपको लोगों से पैसा लेना है, कैसे लेना है ये बात है, इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको परिवर्तन संरचनात्मक सुधार करने पड़ेंगे और संस्थाओं को भी कि पहले आप पैसा देने आ रहे हैं आपके तमाम फाइलें लेके दबाए घूम रहे हो कि क्या कहाँ घुस लें कैसे लें नहीं काम करते। इसके बाद तो इन रोस्टो कहता है कि आवश्यक आदर्श पूर्ववर्ती और दशाओं को युक्त बनाना होगा, यदि हम GNP 15-20% बचत करता है, अगर बचत करोगे तभी खर्च करोगे, तो सिर्फ बचत और इसका निवेश काफी नहीं है, इसके साथ साथ 10 मानवीय पूंजी ह्यूमन स्किल का जो नई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है मानव गवर्नमेंट का, देखने में लग रहा है आपको लगा बिगिनिंग में जब 14 में गवर्नमेंट आई नरेंद्र मोदी इनोवेशन करने की क्षमता है, उसके परिणाम आपका कभी आप देखो स्टेशन पे आप जाते हो ना, क्या परिवर्तन नहीं लगता, क्या क्या ये नहीं लगता कि वहां पे गंदगी फैली रहती थी वो परिवर्तन नहीं हुआ? पहले भी तो संस्थाएं थी, पहले भी सरकारें थी, पहले भी व्यवस्था थी, अरे वहां खड़ा होना दुर्लभ था, अब आराम से पार होके जाओ उधर से, वहां पे गंदगी नहीं होती है। मुझे लगा बहुत सारे परिवर्तन संरचनात्मक दिख रहे हैं,
मुख्य कार्य योजना होनी चाहिए व्यक्ति की। आप यात्रा करो आजमगढ़ लखनऊ से आजमगढ़ में 2.5 घंटे 3 घंटे में आराम से पहुंच जाते हो। उसका एक लाभ है और उसका लाभ अभी लॉन्ग टर्म मिलेगा, अभी आप देखिएगा। आपको आजमगढ़ में नौकरी करने लखनऊ का व्यक्ति आजमगढ़ नौकरी कर लेगा जाके प्रोफेसर बन के। अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों आएगा इस ग्रामीण इलाकों में? सबके मन में भावना तो नहीं रही बिजली की, तो पहले गाँव में बिजली नहीं रहती थी, अब बिजली रह रही। मैंने अनुभव किया अभी, अब उसमें ये कहो मैं कि हम तो जीवन में देख रहे हैं कि हमें था कि गाँव में लोग इसलिए गाँव भागते थे, गाँव में मूलभूत संसाधनों का अभाव था, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और पानी वाटर, ये सब मूलभूत सुविधाएं है ना। भटक रहे हो यहाँ छोटे कमरे में लेके भटकते रहते हो। और एक नई परिवर्तन आया है कोरोना काल में, एक बड़ा मकान हो जगह हो जहाँ उसी में घूमते रहो, एक परिवर्तन नहीं है। गांव बड़ा अच्छा लगा, लेकिन गांव में तब रहो मेरे लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। आपको जीने जीवन जीने के लिए संसाधन रहेंगे, केवल सोच से नहीं होता है कि चाहने से भी अच्छा चलो आदर्श नहीं काम करता है। आपको मार्केट चाहिए, आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, आपको बिजली चाहिए। तो एक चीज तो उन्होंने कहा कि नहीं ये होनी चाहिए, माननीय पूजी हो प्रबंधकी एवं उद्यमी है। एक इंटरप्रेन्योरशिप की बात जो हम कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्षमता सबके अंदर। आप भटक रहे हो वही रोटी पूजी पूरी खाने के चक्कर में, आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना के आप लोगों को दे सकते हो, आपके अंदर स्किल है, बस उसी स्किल को संस्थात्मक कैसे किया जाए, ये संकट दिखता है। हम आते हैं जैसे इन्होंने भी बहुत सारे कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे इकोनॉमिक पे, अब मैं आता हूँ कार्ल मार्क्स पे जो पॉजिटिविज्म भी किया है। तो सबसे बात इन्होंने विकास की बात की है, ध्यान रखिएगा विकास के तीन अवस्थाओं की बात की है, मानव विकास के। थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा, आप जानते हो जियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिविस्टिक स्टेज, जानते हैं बताओ जियोलॉजिकल उसी बात में कर रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट आ गया है ना, अब मैं आपको खिलाड़ी विकास के सिद्धांत के बारे में सबसे पहला जो थियरी है डेवलपमेंट की वह क्या है, पॉजिटिव थियरी है, खिलाड़ी विकास का सिद्धांत है। जो प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है विकास का वह एक प्रत्यक्षवादी क्या है, प्रकारवादी उपागम है। जो विकास की तरफ को बढ़ाने के नियमों प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान देता है। अब खुद देखो जैसे कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अभी आप लोग नौकरी नहीं कर रहे, कल अब हमारी जगह लोग नौकरी करोगे क्या, इसी तरह अब चल रहे होंगे, इसी तरह जिससे जाओगे इससे बातें करने लगोगे, उसके निहितार्थ क्या होगा, जैसे बच्चे आपके बहुत सारे लड़के आएंगे लड़कियां आएंगी, आप जैसे आप आज इंटरेक्ट हो गए एक दूसरे से, आप तब इंटरेक्ट हो गए इंटरेक्ट हो तो क्या हो गए, किसी लड़के से अच्छे इस पार्ट में इंटरेक्ट हो गए कहेंगे कि ये चक्कर है बहुत जल्द सुनाओ भी वो नहीं कुछ मतलब है मीनिंग ले। देखिए एक बात उभरती है आपके सामने, एक एक मंतव्य आता है उससे बचना होगा आपको, आपके शाब्दिक लाइफ में दूसरा एक है कि आप अपने शिष्य के प्रति जटिल नहीं होंगे तो सीख नहीं पाएगा, उसको कैसे बनेगा प्रोफेसर, बनेगा तो प्रोफेसर कैसे परफॉर्म करेगा उस चीजों को, एक गिनती आपकी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। तो सिंपल से कंप्लीट शादी, आप शादी नहीं हुई, बहुत सारे लोग शादी अभी जल्दी जल्दी हुई होगी या 2-4 साल की हुई होगी, आप शादी के पहले और शादी के बाद क्यों कॉम्प्लेक्स हो गए, गबर सबसे बात करते थे कहीं चले जाते थे 10 लोगों से फोन हुआ बात कराया उसको उतना अगर बात करो तो बाद में शायद आपके मैरिज तक क्या होगा क्यों
तो आपको कॉम्प्लेक्स बनना पड़ेगा। पूरे जीवन में आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप शुरुआती दौर पर कम गंभीर रहोगे, बाद में और गंभीर होते जाओगे, पढ़ते पढ़ते महागंभीर हो जाओगे। पर तो ज्यादा गंभीर होना भी तो सही नहीं है। गंभीर का सेंस क्या है? किसी बात को करो, किसी इंटेक्ट में करो, लेकिन एक मर्यादाएं, एक लिमिट उड़ जाती है। आप ध्यान रखिएगा लाइफ में। मुझे मैं भी टीचर रहा हूँ। मैं जब पहली बार टीचर हुआ, मुझे लगता था कि मेरे साथ एक बच्चा है तो मेरे ही तरह है, क्यों ना मदद करूँ। अब तो चलो वही क्या है ना, क्या करें, व्हाट डस। हमारी सरलता को, हमारी मदद को, हमारी सही भावना को वो दूसरे रूप में लेता है मैडम, तो क्या किया जाए। आप तो कई बार मौका मिला है उनको लाइफ में, क्या करें। इससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। एथिक्स टीचर होते हैं विद्यार्थी के साथ, विद्यार्थी तय ही होना पड़ेगा पहला, क्योंकि विद्यार्थी बच्चा है। उसे क्यों, आप विद्यार्थी को भी आप एक तरह बनना है तो उसे भी एथिक्स कैसे सिखाओगे जब अपने एथिक्स भाई हमें आता नहीं रहेगा। आप बताते हैं फेस कैसे लिखोगे, कैसे अपने आप से बनाओगे, जब आता रहेगा तभी बताएंगे कि गोल गोल बातें करेंगे। तो हम रिलीजियस जो स्टेज है उसमें थियोलॉजिकल स्टेज से कहते हैं, धार्मिक अवस्था आप जानते हो, बहुत सारे मुझे लगता है क्या जानते हो उसे। सर थियोलॉजिकल स्टेज वो स्टेज थी जब लोग सिर्फ धर्म को ही सही मानते थे, धर्म के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ। धर्म को भी सुपरनैचुरल पावर, सुपरनैचुरल पावर। आप देखो विद्यार्थी हो, प्रोफेसर बनने की राह में खड़े हो, कल बन भी जाओगे, जेट भी आपका है, सुपरनैचुरल पावर्स, सुपरनैचुरल अलौकिक शक्ति को कुछ घटित हो रही थी। देखो फेनोमेना इनवर्स उसके पीछे माना जाता था कि अगर बारिश हो रही है तो माना जाता था कि भगवान कृपा है, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्ति शब्द का बात किया है। कोई मर भी जाता था, कोई बीमार भी जाता था, कोई ठीक भी हो जाता था, उसके पीछे मानते थे हम कोई इन टाइप ऑफ फेनोमेना इन आवर सोसाइटी, इन आवर पावर, इन आवर यूनिवर्स। एक विद्वान व्यक्ति चिंतक के रूप में टीचर को बनना है ना, तो आपको बच्चे को कितना सरलता से चीजों को बताएंगे, वाकई के दुकान पर बढ़ा जाएगा। आप ध्यान रखिए, आपको मेहनत करिए सब लोग, इसको आप अनर्था न लीजिएगा कि आपकी बुराई कर रहे हैं, हम आपको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपने अंदर रह सकता है, ऐसा नहीं है। आप बहुत चीजें विभाग सिखा लेती है, ये भी विभाग सिखा लोगे, आपके मुंह से जो निकलेगा वो आप एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर गलत निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा। बैठ जाइए। थियोलॉजिकल में तीन चीजें उन्होंने बात की, क्या क्या किया है, क्यों बताओ। तीन उन्होंने थियोलॉजिकल में तीन चीजें बात की, तीन चीजें सुनो बताओ। सब प्रोफेसर की परीक्षा देते हो, क्यों ना बताओ। इस तरह काम कैसे चलेगा सर? थ्री स्टेजेस सर, दी मोनोथीज़म, मोनोथीज़म और सर एक और थी सर। कैसे काम चलेगा, क्यों बताओ, कैसे काम। आप कहते हैं हमारा होता नहीं, कैसे ना छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि आ सकती। फिर पहले एक देव थे, फिर द्वैत बाद आया, फिर बहुदेव बाद आया है। इस वाले का डिजनर लेवल देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, डेवलपमेंट के इस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझिए कि पहले क्या था, आवश्यकताएं सीमित थी, लोग कम थे, तो एक ही व्यक्ति काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, आवश्यकताएं बढ़ी, तो द्वैत के बाद दो देवता बाद जो आया, इसके बाद आया बहुदेव बाद। मगर पहले क्या थे, पहले अकेले एक शक्ति थी, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, डिवीजन ऑफ लेबर। महेश का काम क्या है, ब्रह्मा का काम क्या है, इन्होंने बहुत ब्रह्मा महेश एंड विष्णु क्या काम है, तीनों के अलग अलग काम है, अलग अलग दायित्व है ना।
फिर इसके बाद ये हुआ कि इससे काम नहीं चलेगा और ज्यादा आवश्यकता बढ़ी, लेकिन पूरे डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आवश्यकताओं की बढ़ती आवश्यकताओं की, तो वरुण देवता आए, अग्नि देवता आए, सूर्य देवता आए, सबके रोल है, इंद्र आए और कुछ ने रोल इन आवर सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये डेवलपमेंट है। हमेशा आप देखो विकास की अवस्थाएं हैं, पहले आप गांव में ही काम कराते थे, खेती से ही काम चला लेते थे, कम उर्वरकों का प्रयोग करते, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते थे, आवश्यकताएं बढ़ी, अन्न की आवश्यकता हुई, आपने तरह तरह के नवीन संसाधनों का प्रयोग किया, पूर्ववर्ती अवस्था में लोगों का विकास कैसे होगा? सोच तो रहेगी, बचत होनी चाहिए, निवेश होना चाहिए, पर एक जो स्किल डेवलपमेंट है उद्यम किया जाए, आप देख रहे हो तमाम ऐसे धंधे, बहुत सारे लोग पैसे हैं, संसाधन है, उनके पास स्किल नहीं है, तो बहुत सारे धंधे को नहीं कर पाते हैं। ये तो वही दूसरा क्या था, मेटाफिजिकल पॉजिटिविज्म। मेटाफिजिकल में क्या है, धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों का साथ। भाई भगवान की कृपा को तो माना गया कि आधे मानते हैं, अभी अभी आपका पूजा के दिन आपकी परीक्षा होगी, मिलता है मुझे भी पूजा करते जरूर रहोगे, टीका लगा के इसके जो भगवान होंगे किसी के अलग होंगे, किसी के अलग होंगे, आते हो नहीं आते, आज बहुत सारे लोग डेली पूजा करके आते होंगे घर में, जैसे हम ही करके डेली पूजा करते हैं, कितना हो ठंडक हो कुछ भी हो हम जरूर स्नान करते हैं, जरूर पूजा करते हैं, मांगते कुछ नहीं है, पूजा करते हैं। इतने लोग हैं जिनको ये दुख होता है कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं किया इसके रिकॉर्डिंग, इसको दुख होता है किसी, तमाम लोग सोए सोए और मस्ती आ जाए आप छोड़ो आज के लिए नहीं। सर जिस दिन ना पढ़े उस दिन अच्छी खासी गिनती होती है, लगता है कि कुछ अधर्म नहीं कर दिया। अगर ऐसी फीलिंग जिस दिन आ जाएगी ना, यू आर सक्सेसफुल मैन, आप लगा मैंने कुछ आज खो दिया, आज मैंने 24 घंटे में मैंने एकदम पढ़ाई लिखाई काम नहीं किया, इस तरह प्रेम से आप बच्चे को पकड़ती हो, जब यहाँ से जाती हो बच्चे आपका घर में है, जिसके बच्चे होंगे बहुत सारे लोग हैं जिसके बच्चे होंगे, किसके किसके बच्चे हैं, है ना, आपको लगता है बच्चा आपको कैसे पकड़ता है, तो ये हुआ कि भाई कुछ हमने सोचा कि भगवान की कृपा है, कुछ हमने सोचा कि दिमाग भी लगाया थोड़ी सी, क्योंकि लाइफ में पढ़ती आप सबके लाइफ पूरे लाइफ में देखो, बस बचपन से आप तक की यात्रा में आप अगर आप देखें तो धीरे धीरे आपके अंदर रेशनलिटी की ग्रोथ होगी, जितना ज्यादा आप थॉट आपके अंदर आएगा, जितना ज्यादा आप स्टडी करोगे, जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट होगे, तो कहोगे हमारे पापा तो ये करते थे, आज तो नहीं है ना, ये तो ये और भी अच्छी है, यहाँ तक जानते हो वही आपका, लेकिन जब आगे जानोगे तो पीछे वाले से बेहतर चीजें अगर होगी तो आप अडॉप्ट करोगे, तो एक ही जाए बेटा फिजिकल स्टेट में, लेकिन विकास की जो अंतिम अवस्था है तत्वादी है, ये हाथ कंगन को आरसी क्या दुकान पे पे सक्षम किम प्रणाम प्रमाणम नहीं करते, अरे और ऑक्सीजन देखा वो है रेशनलिटी कि जो कुछ हुए भाई, पहले भी लोग देखे होंगे ना, जैसे न्यूटन ने दिया, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है भाई, शेप को देखा या किसी चीज को देखा कि ऊपर से नीचे पेड़ से गिर रहा है, नीचे को गिर रहा है, पर ऐसा नहीं गिरता तो पहले भी रहा होगा, गिरता हमेशा रहा होगा जब से प्रकृति है,
लेकिन उसके मन में आया वेन क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस कि क्यों नीचे आया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम आज जैसे आपके मन में आएगा कि मेरा नंबर क्यों कमाया, मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, उस प्रश्न का उत्तर रोने से नहीं। आप लोग रोते हो करके बाद पेपर खराब हो गया, गड़बड़ा गया, रोते हो, रोने से काम नहीं चलेगा। उसका अनुसरण ढूंढिए, मेहनत करिए। आप कहते हो जल्द पागला जी की क्वेश्चन देखे आए, इसका सारे क्वेश्चन ढूंढ डालो, आप वेट करते हो कि आंसर की आए। नहीं, आप किस दिन पेपर ले आए, पेपर दे आए, पेपर के बारे में कुछ याद है, दोनों से याद है, इसका आंसर क्या है, उस आंसर को ढूंढने में क्या फायदा होता है कि आपको 10-20 आंसर और मिल जाते हैं। कुछ आप पलटोगे कपड़े अपने पलटते हो कभी आप उसके लिए, तो बहुत सारे कपड़े आपके सर उसके लिंक होके और सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। आप अलमारी पलटते हो ना, कपड़ा एक ढूंढते हो, 10 कपड़े से मिल जाएंगे, और मुझे आगे के टाइम में एक कोट है, मेरा स्वेटर है, एक वो होता है। तो प्रत्यक्षवादी उपागम में मैं बहुत नहीं चर्चा करूंगा, मैं जानता हूँ कि आप गुरु से जब आदर आप सुझाव दी, जैसे आदर्श का मैं मुझे एक बार इंटरव्यू पूछा गया कि भाई फादर सुझाव दी का नाम बताइए, तो जनरली हम लोग नहीं कहते आदर्श कौन थे, नाम तो ये नहीं है, अगस्त कौन थे। मुझे याद है जब मैं बीएसएम में हुआ था विज्ञापन 26 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ फादर अगस्त, फ्रेंच है ना, फ्रेंच हम पढ़े भी हैं, थोड़ा बहुत उनको आती भी है। अब आता है यानी समाज की प्रगति, उस समाज द्वारा एक खास अवस्था की प्राप्त में नहीं है, समाज हमेशा थियोलॉजिकल से मेटाफिजिकल से प्रत्यक्षवादी की तरफ जाता है, एक काम का है, एक फंक्शनल उपागम है, प्रकारवादी उपागम है। अब हम आते हैं यथार्थवादी विकास का सिद्धांत, तो प्रत्यक्षवादी विकास का सिद्धांत था, अब आते हैं यथार्थवादी विकास का सिद्धांत, रियलिस्टिक थ्योरी डेवलपमेंट, यथार्थवादी विकास का सिद्धांत। इसका इस उपागम की शुरुआत 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई कि उत्पादन मात्र वस्तुओं के उत्पादन में केंद्रित था, शुरुआत 1950 की शुरुआत में काम देखें, लेकिन लोगों के उत्पादों के वितरण पर ध्यान नहीं दिया गया। आप देखो, आप तो देखो, आप पेप्सी जानते हो, बहुत डेंजरस है ना, इन लब से पीते हो आपको लगता नहीं पीते हो, नहीं पीते जनरली गर्ल्स तो समोसा खाती है और ढोकला खाएंगी और वो अंकल चिप्स ले लेंगी, एक ले लेंगी छोटी सी बोतल आपके बच्चे, आप लोग बहुत सारे बच्चे जिनके होंगे उनके बड़े होंगे अर्थी वगैरह, जो मान लो बच्ची है अभी, इन लोगों का भी इन लोगों को भी अच्छा लगता है, धीरे से बोतल लिए छोटा लेकिन इसे वास्तव में उत्पादों की जरूरत है। आज अब पूरा सर्वे होता है कि कहां किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए, कौन जाके उसका उपभोग करे। पहला एटीके का काम, पहला प्रश्न आज उठता है, पहले ऐसा नहीं किया, पहले आप बनाओ देखा जाएगा भगवान की तो आप लोग खाएंगे नहीं, ऐसा ऐसा यही तो हुआ किसान के साथ, गेहूं पैदा कर दिया, गन्ना बो दिया और उसकी बिक्री नहीं हो रही। वास्तव में उत्पादों की जरूरत है पर कौन से पा रहा है इसकी चिंता नहीं थी। 1950 के दशक संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह प्रस्तावित किया कि किसी देश को विकासशील देश की संज्ञा तभी ही जाएगी जब उसकी वार्षिक वृद्धि दर 5-7% के बीच होगी। एनी नेशन
आप देखें, आप एक बड़ी महत्वपूर्ण कांसेप्ट है कि विकासशील देश की श्रेणी में तभी होगा जब उसकी आर्थिक वार्षिक एनुअल ग्रोथ रेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5-7 के बीच होगी। ये महत्वपूर्ण चीज है, जरूरत है आपको, आपको मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ सब बन जाए प्रोफेसर, भगवान की कृपा ऐसी हो, क्योंकि 3 दिन के लिए हमारे विद्यार्थी और आओगे तो विद्यार्थी तो जाने ही जाओगे, 1 घंटे के लिए हो जाए तो भी 3 दिन तो कहीं नहीं हो गया। लेकिन बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू के वर्षों में विकास का एक वैकल्पिक उपाय सामने आया, अल्टरनेटिव अप्रोच इन 14th सेंचुरी। यह उपाय अर्थव्यवस्था के वितरण पथ पर केंद्रित था, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि कौन उसको लेगा, क्योंकि वितरण कैसे होगा, लेकिन अब तक जो चली आई, इस पर ध्यान दिया गया कि अब तक चली आ रही जो विकास की अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव, अब विकास की परिभाषा यथार्थवादी अर्थों में की जाने लगी, यथार्थवादी अर्थों में की जाने लगी। यह उपागम विकास के निश्चित अवधारणा के रूप में देखकर देखता है मिक्स इकोनॉमी की बात आई, मिक्स कॉन्सेप्ट की बात आई, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल सारे आस्पेक्ट को समाहित करना। यह उपागम क्या था, कल्याणमुखी वेलफेयर ओरिएंटेड एंड सोशलिस्ट समाज। डुप्लेसियस एक थे विद्वान हमारे, डुप्लेसियस विकास की प्रगति के सवाल पर उन्होंने कहा, इन्होंने यथार्थवादी परिभाषा दी है इसकी, रियलिस्टिक उसे विकासशील देश माना जा सकता है। इन 3 मूल समस्याओं में 1 या 2 या फिर 3 ही बदतर होती गई हो तो स्थिति को विकास का नाम बहुत आश्चर्यजनक होगा। भले ही प्रत्यक्ष आय दुगनी हो गई हो, लेकिन गरीबी अगर बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है, तो उसे उस समाज को विकास उन्मुख समाज नहीं कहा जा सकता, उस विकास को विकास नहीं कहता, पर कहता एकदम। अब आता है तीसरा है, अगला है अल्प विकास का सिद्धांत। अल्प विकास का सिद्धांत क्या भाई, क्या लिखा है, मतलब विदाई होनी है। अरे कल तो रजिस्टर साइन करा नहीं है, अब आइए इस समय जो इसमें बात हो रही है, आर्थिक विकास के इस आधुनिक उपागम को अल्प विकास का सिद्धांत किस रूप में देखा गया है, गरीब देश धनी देशों पर देश ही गरीब देशों पर आधिपत्य ने देखा गया क्या कि विशेषाधिकारहीन देशों की भाग्यशाली देशों पर निर्भरता के लिए रूप में देखा गया, मतलब विकास जैसा डेवलप्ड कंट्रीज थी तो जो कंट्री एक प्रेजेंसी की थ्योरी आती है, यही वाली है उसके बाद वो तो जैसे कि सर इंडिया पे कुछ जैसे बाहर की जो कंट्रीज है वो डिपेंडेंट है, हम लोग से कच्चा माल लेती हैं हमारे उत्पादन में, सबसे महत्वपूर्ण है विशेषाधिकारहीन देशों की
भागीदारी देखो पर निर्भरता की नियत के रूप में लिखा जाता है इसके और विकास की कई चीजें हैं इसमें। इसे स्पष्ट करने वाले के रूप में दो दृष्टिकोण है, पहला दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण यह है कि सिर्फ धनी देश ही गरीब देशों का अधिपत की इच्छा नहीं रखते, सिर्फ धनी देश ही, एक दृष्टिकोण है सिर्फ धनी देश ही गरीब देशों पर आधिपत्य की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि कुलीन वर्ग के लोग जैसे जमींदार, व्यापारी, नौकरशाह, व्यापारी संघों के नेता, उद्यमी भी धनी देशों की भूमि राजों को समर्थन करते हैं। इसकी आपने बच्चों की कहते हैं रानी अंबानी को भेज दिया कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते फिरते हैं, हम देखते हैं भले वो इंटेलेक्चुअल वे पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात प्राय बड़े अच्छे से लोग कहते फिरते हैं कि अदानी को भेज दिया, अंबानी को भेज दिया, देश को बर्बाद कर दिया, उसी की बात आती है। हमेशा मेरा मानना है, मैं जो देखता हूँ, ये नहीं कहते हैं कि भाई ये सोसाइटी पुरुष प्रधान समाज है, कहते हो ना, हम क्योंकि जेंडर स्टडीज पे काम भी करते हैं तो हम इस बात को उठाते हैं बड़े मेहनत से, बड़े मुद्दों से, लेकिन मुझे लगता है कि जो सब सबके संबंध है वो किसी जाति या धर्म का हो या किसी लिंग का हो, जो कमजोर है उसके साथ शासन करता है उसका आदि करता है। तो मैंने अभी एक स्टडी की उत्पीड़ित पत्नियों का, जैसे आप लोग प्रताड़ित करती होगी जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका होता है शासन, जो मजबूत अगर महिला नौकरी करेगी पुरुष नौकरी करता है जाकर पुरुष की दशा देखो, सही कह रहे हैं सर, आज भी पर सोसाइटी में कहीं ना कहीं फीमेल्स को जो लोग देखते हैं वो कम में ही देखते हैं पुरुषों को। मेरे मन में कैसे आया कि पतियों का अध्ययन करें, ये प्रॉब्लम मेरे मन में कैसे आई, तो मैंने जब देखा मैं यहाँ किराया बैठा था आवास विकास में, पहले जब मैं काम को ज्वाइन किया तो किराया 4 से 7 था मकान नंबर, तो किराए पे था, मैडम आप सुनिएगा, आप विद्वान हो, अगर बात से असहमत होगा तो आप कहिएगा, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, मेरी भावना नहीं, क्योंकि मैं जेंडर पे काम करता हूँ, मैं बार बार जेंडर में महिला की और बात होती है, जेंडर इसी में बार बार करता हूँ, जेंडर में महिला की, जेंडर का मतलब दोनों आस्पेक्ट है ना, कि बड़ा स्पष्ट आस्पेक्ट है कि जो मजबूत होगा यानी जो कमाएगा, जो साधनों पर अपना वर्चस्व रखेगा, वो जो साधन विहीन लोग हैं उन पर आधिपत्य स्थापित करेगा, जो मेरा छात्र मैंने शरीफ पाया, कोई शरीफ नहीं होता, क्यों आप करती है, यात्रा करती है,
पापा आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं। बड़ी तेजी से हमें जो अपने अपने लंबे शैक्षणिक जीवन में या विद्यार्थी जीवन में सब लड़के क्या पर मिले, लड़की क्या पर मिली, लड़की नहीं लड़ सॉरी गलत बोल गया मैं, लड़के नहीं मिले लड़की पहले बैच में जब था 2003-04 में एक निजी से करके लड़की को था, एक लड़की मोहम्मद थी उसको 47 मिला, उसको 48 मिल गया। और पूरा कॉलेज में तरह की जवान उठे, एक तो लड़की और थोड़ी लड़की सुंदर और लोगों के सुंदरता देख के भी उन्होंने दे दिया। यस ऐसा लोग कैसे रखा तक नहीं, एक बार सोचा दिमाग सोच है लोगों की। मैंने कहा ये कही थी उस लड़की से तमाम आए, मैंने कहा देखो क्या है मुझसे क्या कर दे रहा है, मुझसे देख एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में कोई व्यक्ति हो, लकड़ी मेरे ही जाति का हो तो मैं ये कहूँ नहीं नहीं मैं आदर्श जाने के कहूँ नहीं इसको मदद नहीं करूँगा क्योंकि मेरे जाति है तो आरोप नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे मेरा माना। अब बाद में वो लड़की तो अपना एक अच्छी खासी मदद के रूप में घूमकर दूसरी बार ही आई नेट कर ली, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2004 में नेट कर ली मेरी में ही। तो हम जैसे हमने बार बार कहते हैं कि अच्छी खाली तो मेरी को करनी चाहिए मेरी जो, लेकिन लोग यहाँ के समाज में अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं, परसेप्शन है, जाति के दृष्टिकोण से करेंगे, क्षेत्र के दृष्टिकोण से करेंगे। अगर कोई टीचर का लड़का है लड़की है अगर उसको हम प्रमोट कर दे रहे हैं प्रमोट हो रहे हैं मेरिट पे, अगर प्रमोट कर दे रहे हैं तब भी देखेंगे इन्होंने इसीलिए प्रोफेसर की बेटी है। कोई ना कोई एक दृष्टिकोण मतलब अपनी बात पे, जैसे आप लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन पढ़ा होगा आपने, आप क्रीम लगाती हो क्रीम इसलिए लगाते हो कि आप लोगों को बताते हो कि मेरे को क्रीम लगाया मेरा साफ हो गया मैं बहुत सुंदर लगती हूँ बड़ा अगर कोई क्रीम लगाने से गोरा हो जाए तो इस समाज में खाकर वेस्टर डी या पिंका या कोई काला होता है तो जीवन में बहुत सारे ट्रिक ऐसे करते हैं जिसको हम लॉजिकल नॉन लॉजिकल को लॉजिकल ठहराने का प्रयास करते हैं, हम भी करते हैं आप भी करते हो सब भी करते हैं और जो भूल जाए। अगर आप एक दिन नहीं आए तो भले आप बहुत सारे लोग पेपर नहीं दिए हो कल नेट का, लेकिन वो भी कहेंगे नहीं दिए थे नेट का, एक उदाहरण मिला हम एक उदाहरण दे रहे हैं बहुत सारे आप तार्किक उदाहरण आप ही बाहर होकर कहो अरे तो मेरी बेटा मेरा इतना बीमार पड़ गया मैं क्या करूं, इसलिए मैं कहना मैं माँ के रूप में मुझे लगता था कि शायद मैम भी नाराज होगी लेक्चर भी मिस हो जाएगा, लेकिन मदर के रूप में मेरा दायित्व बनता था बेटे को मुझे तो मैं भी कितना हूँ कड़क है मान जाएंगे अरे वो भी महिला है तो कहेंगे अरे बेटा बेटी को बहुत तो करते हैं तो वो चीज होती है। तो क्या था एक दृष्टिकोण है कि सिर्फ धनी देश ही गरीब देशों का आधिपत की इच्छा नहीं रखते बल्कि किसी देश की पूरी वर्ग मैंने कहा कि धनी आदमी समाज का जो धनाढ्य व्यक्ति है कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब जो सभी साधनों से संपन्न हो जिसका संसाधनों पर ज्यादा से ज्यादा आधिपत्य हो उसे कुलीन करते हैं, वो चाहे नौकरशाह हो जमींदार हो व्यापारी हो ट्रेड यूनियन का नेता हो, वो धनी देशों के भूत इदारों का समर्थन करते हैं। आपने एंटोनियो ग्रांटी का पढ़ा नहीं पढ़ा क्या जानते हो एंटोनियो ग्रांटी सर हेजेमनी का कांसेप्ट यहाँ पे जो पावर है हेजेमनी दिया है क्या दिया है उसमें ये सर कि जो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है वो सबऑर्डिनेट रखता है जानबूझकर नहीं नहीं वही उन्होंने बुद्धिजीवी की बात दो तरह की बुद्धिजीवियों की बात की बड़ी महत्वपूर्ण थी।
मतलब अगर हम सही नहीं करते हैं, अगर हमारे पास आर्काइव इंटेलेक्चुअल नहीं है जो समझाता है समाज को, पीके 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 का नाम सुने हो राजनीति में, प्रशांत कुमार का, वो यही करता है, वो कंपनी है प्रचार के लिए, तमाम सही बातों को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है। किसी को कठिन हजार की बात करते हैं, किसी को कहते हैं कि नहीं करते योगी जी की ठाकुर बात करते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण बढ़ के और दलित बढ़ के ओबीसी बढ़ के, करते कि नहीं करते हैं, लेकिन पर वो समाज में पेपर में परसेप्शन में सोशल मीडिया पे पूरी सत्ता, जब तक किसी भी सत्ता को लंबे समय तक स्थापित रखने के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइज इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, संगठित बुद्धि भी, एक तो सत्ता के निकट होता है, एक, एक, एक समाज में जाता है जो लोगों को बताता है, अब आप देखोगे 290 प्रेस पर सेलेक्ट हुए, मेजॉरिटी में किस जाति लोग सेलेक्ट हुए कभी देखा आपने? एक 130 से 31 ब्राह्मण कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, क्यों हुए इतने में कटा किसी आधार पर, लेकिन आपका कोई लोग गवर्नमेंट ने किया है ना, लेकिन समाज में तमाम प्रशिक्षण बना है, ब्राह्मण आज ब्राह्मण सम्मेलन किया जाए, तमाम उपक्रमित किए, नहीं आम तौर पर देखो यानी इंटेलेक्चुअल देखो, यानी ब्राह्मण नहीं देखो, यानी इंटेलेक्चुअल वो हर जगह होता है, वो तो करुणित कोई जाति है ही नहीं, लेकिन एक जाति के रूप में उनको देखा जाता है, तो उनका जन्म हुआ है कुल में जाति में, लेकिन मैं जाते देखता हूँ, मैं ये कहते हैं मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि हम सभी की इज्जत तभी होगी, हम लोग साधारण लोग हैं, शिक्षक तो साधारण ही होता है, शिक्षक के पास गुंडों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, उसकी एक लंबी फौज होती है बड़े अच्छे लोगों की, लेकिन हम लड़ नहीं सकते, मैं आई नट मैं बार बार कहता मैं आई नट दरोगा आई प्रोफेसर, मैं अपनी बातों से अच्छी बातों से किसी को कहूँगा मैं गाली नहीं दूंगा, जैसे एक एक समय में एक पुलिस वाला, अगर कोई पुलिस परिवार होगा जिसे मतलब नहीं है, हम जनरली सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अकेडमिक बात कर रहे हैं, कि वो आपकी माँ बहन जब खोजे थे उसकी बात आप मानने के लिए बात करते, हम अगर रोकते हैं हम फिर कोई चीज कार्य करते हैं तो हम आप तमाम जवाब कर रहे हैं, हमारे में यही होता है ना, पता नहीं पुलिस वाला कहीं दूर हट जाओ, अब प्रोफेसर है टीचर हूँ क्या भाई, मुझे याद है कि मुझे एक बार समरसेबल की बोरिंग करानी थी, तो मैंने वो जाना मेरे शरीर से मैं कपड़ पर जो माना था समझे कि पुलिस के दरोगा और गाँव के कहीं जो भी पुलिस में है, अब बाद में मेरा प्रोफेसर ने कहा नहीं यार देखो पैसा कम नहीं होगा, वो व्यक्ति समाज में जितना हानि पहुंचा सके, हम तो बहुत डांटते भी हैं जब जरूरत पड़ती कलर से किसी को नंबर बार बार कर देंगे, हमारे यहाँ सिस्टम है कि अगर रेगुलर आएगा बढ़िया आएगा उसको 80 से 90 के बीच नंबर मिलेगी, चाहे वो एकदम न बोले वाइजा में वे पी जी करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ 80 to 90 देंगे ही देंगे, अब उसमें अंदर वो आएगा बोलने का आएगा, अगर रेगुलर जो नहीं आया कितना हो बड़ा आदमी कितना हो बड़ी सिफारिश किया हो उससे कम नहीं पाएगा, अपने क्षमताओं के अनुसार जो भी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने कार्य किया है और उसका परिचय मिले कि आप डांटते फिरे आपका नंबर काटते फिरे तो आपको पूरा नहीं रहेगा, कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारा हमें आप कहानी कर रहे हो, अभी एक बच्चे नहीं आया जैसे वो गाली देता है जैसे जाता है उसकी बात आप जो खान हमारा उत्तर दिया नहीं करते हैं, लेकिन जो इस पर बोलना है पहला मैंने कई लोग कहते थे कि नेता सब करेंगे, नहीं नेता किसी बड़े आदमी को छेड़ेगा, गरीबों को प्रताड़ित करता है, गंदी बस्तियाँ उजड़वाता है, सड़क पे करता है, पहला एक अच्छा व्यक्ति देखो मुख्यमंत्री कि जितने बड़े बड़े लोग उनके घरों को गिरवाना उनकी संपत्तियों को जब्त करना
मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, आप लोग देखे होंगे किसी को, मैंने किसी बड़े आदमी को बड़े आदमी को खेलते नहीं देखा। भय होती अभी का मतलब ना सैंपल मैं नुकसान अंधारी वाला सैंपल सुंदर अंधेरा वाला सैंपल मैं बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हैं। हम तो अतीत को जानते हैं जाते उपकार को जानते हैं जाते लेकिन बहुत सारे अगर लिस्ट अपनी स्टडी करो सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें आती हैं वो सब हमारे लिए तो हम तो ये चाहेंगे कि अनुशासन रहे समाज में व्यवस्था बनी रहे विकास हो बिजली आए पानी आए रोड बने। लेकिन हर आप देखो खुद अपने लाइफ में कि हमें तनख्वाह 2.5 लाख मिले कोई फर्क नहीं पड़ता उसे तक उससे खुशी नहीं होती। अगर 1000 रुपये कहीं से मिल जाता है हर जी में बड़ा खुशी बढ़ती है। पहले एक जमाना था मैंने अपने जीवन में देखा बचपन में कि लोग कहते थे कमिटमेंट, आज लोग एग्रीमेंट करके मुकदमा लड़ते हुए मिलते हैं कचहरी में। राइटिंग में एग्रीमेंट होता है कि आपको मैंने कोई सामान के लिए 10 लाख रुपये दिया वो सामान मुझे आप इतने दिन बाद दे देंगे इतना रुपया और ले लेंगे। आज देखती हूँ मैडम कि इसके लिए मुकदमा पहले लोग केवल कह देते थे कि मैं द्विवेदी जी आपको ये चीज दूंगा इतने में दूंगा इसका कितना हो कितना चौगुना पैसा कोई दे यही हमारे बीच हमारे पिता और हमारे पूर्वज थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है तो एक प्रॉब्लम है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था दुर्बलता के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा दृष्टिकोण क्या है पुजारो जो असत्य प्रतिमान फॉल्स पैरल है। दूसरे दृष्टिकोण को टोटारो कहते हैं असत्य प्रतिमान फॉल्स पैराडाइम की संज्ञा देते हैं। इसके अनुसार क्या था एशिया अफ्रीका दक्षिण अमेरिकी देशों का अल्प विकास यूएसओ आईएलओ यूएनडीपी आईएमए आईएमएफ क्या कहते थे कि ये जो जो वर्ल्ड बैंक की सलाह है गलत है जो यूनेस्को की सलाह है आईएलओ की सलाह है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूएनडीपी की सलाह है जिसके परिणाम स्वरूप हो गया क्या अभी अच्छा 5 मिनट पहले हुआ है तो फिर जाने दीजिए ठीक है। वो कहते हैं कि जब तक राम सर ये लैपटॉप वहाँ पे ऐसा हो गया था उन्होंने बताया तो वो आया ही नहीं कुछ भी नहीं 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 उन्होंने बोला 5 मिनट पहले हुआ है 5 मिनट पहले तो कोई दिक्कत नहीं उन्होंने बोला ऐसे 5 मिनट पहले हुआ। कई बार टेक्निकल एरर इस तरह से आ जाती है कि उसमें कुछ आ ही नहीं पाता है। अरे मैम छोटा सा है कि ना पूछो ये नहीं सर प्लीज अरे आकाश।